अलवर पुलिस ने पकड़े 3 साथी बदमाश, पास से मिले 1 करोड़ के नए मोबाइल फोन। जी हाँ, अलवर पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर 3 साथी बदमाशों को पकड़ा। अलवर के मालाखेड़ा थाना पुलिस को मंगलवार देर रात बदमाशों ने आने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने हल्दीना चौराहे पर देर रात वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की। इसी बीच अलवर की तरफ से पुलिस को एक गाड़ी आती हुई नजर आई। पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक गाड़ी को पैक करके वापस ले जाने लगा। गाड़ी बैक करते देख पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। देखा तो कार में 3 लोग बैठे थे। पुलिस ने सभी को बाहर आने के लिए कहा। 3 घंटे की तलाशी, पुलिस को 12 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने साजिश उर्फ काला निवासी डुडोली जिला नूह मेवात हरियाणा, अनीस उम्र 32 वर्ष निवासी मानपुर सड़वा सबनम कॉलोनी बाईपास रोड जयपुर और 28 साल के निवासी सड़वा बाईपास रोड जयपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ जारी है, जहां पुलिस के मुताबिक ये साथी लुटेरे कम समय में जल्दी पैसे कमाने की लालच में ऐसी घटनाएं करते रहे हैं। अवैध हथियार, नए कारतूस भी उस गाड़ी में मिले उन तीनों से। इन तीनों अपराधियों को तुरंत डिटेन किया गया और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक कैंटर जो ये ओप्पो के नए फ़ोन के जो सीरीज़ के जो फ़ोन हैं ये लेके दिल्ली से रवाना हुआ था, उसको इन्होंने बीच में ही कंडक्टर और ड्राइवर की मदद से उस कैंटर में चढ़े और उनमें जितने भी डब्बे ये फ़ोन्स के थे उनमें से फ़ोन्स इन्होंने निकाल के पार किए और फिर ये उनको चोरी की हुई इस सामग्री को सस्ते दामों पे बेचने के हिसाब से और उससे पैसा अर्जित करने के हिसाब से जयपुर और अलवर आए थे। इन तीनों का नाम शाहिद उर्फ काला जो नू मेवात हरियाणा का रहने वाला है, अनीस खां जो जयसिंहपुरा खोर जयपुर का रहने वाला है और जब्बार खां जो दिल्ली बाईपास रोड जयपुर पर रहता है। इन तीनों की इस बाबत पहचान हुई है। इनसे 227 ओप्पो फ़ोन, 1 स्विफ्ट गाड़ी, 3 हथियार और कारतूस रिकवर हुए हैं और साथ ही साथ इनसे अभी आगे भी पूछताछ की जा रही है कि इनका कोई और आपराधिक रिकॉर्ड या पहले भी अगर इन्होंने ऐसी कोई लूट या इस तरीके की कोई वारदातें की हों तो उनका भी खुलासा होने की हमें पूरी उम्मीद है। मालाखेड़ा थाने की एक शानदार कार्रवाई जिसमें लगभग 1 करोड़ के लगभग इनकी वैल्यू है इन फ़ोन्स की, ये रिकवर किए गए हैं और साथ ही साथ ओप्पो कंपनी से हम लगातार बात कर रहे हैं